morning all of you students. Welcome to LFCS online classes. Myself Poonam Tiwari, your Hindi teacher. Beta, class 5th, Hindi में chapter 14. हिंदी में chapter 14 आज हम लोग पढ़ेंगे. Chapter 13 तक तो हो गया ना. Chapter 13 आपका चैप्टर 13 है पैसों का पेड़. क्या है? पैसों का पेड़, जो कि इंटरनल असेसमेंट में है. ओके, चैप्टर 12 आपका बुक का पीडीएफ, कॉपी पीडीएफ सब जा चुका है. आप लोग राइट किए तो उसको आप लोग नीट एंड क्लीन राइटिंग में राइट कर लेना. ओके, सब लोग कंप्लीट कर लेना. तो आज हम लोग चैप्टर 14, सबसे पहले खेल के मैदान में बच्चों का व्यायाम हो जाता है. खेल, आप खेलते हो ना, तो खेल से क्या होता है, आपका एक प्रकार से एक्सरसाइज हो जाती है, व्यायाम हो जाता है. और पर खेलने के समय को टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल आदि में लगा देने का क्या परिणाम होता है? टीवी और मोबाइल कंप्यूटर में लगा देने से वो चीज़ व्यायाम एक्सरसाइज जो बताया जा रहा है वो आपका नहीं हो पाता है. तो आइए वही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं. तो चैप्टर आपका है खेल दिवस. क्या है? खेल दिवस यानी खेल के दिन. चैप्टर का नेम है आपके खेल दिवस. तो आज हम लोग खेल दिवस पढ़ेंगे. तो खेल से जो कि बताया गया है कि खेल खेलने से भी आपको शारीरिक रूप से लाभ होता है, एक प्रकार से आपकी एक्सरसाइज हो जाती है, व्यायाम हो जाता है. तो आइए हम लोग चैप्टर रीड करते हैं, आप लोग भी साथ में मेरे पढ़िएगा उसको. विद्यालय में वार्षिक खेल दिवस का आयोजन होने वाला है. यानी विद्यालय है, विद्यालय में वार्षिक प्रोग्राम होते हैं ना, वर्ष में जो एक बार प्रोग्राम हो, एक बार जो खेल की प्रतियोगिता हो, उसी को क्या कह रहे हैं, खेल दिवस का आयोजन होने वाला है. कल अध्यापिका जी खेल प्रतिभागियों यानी खेल में भाग लेने वाले को प्रतिभागियों कहते हैं, का चुनाव करेगी यानी चुनेंगी कि कौन कौन खेल में कौन कौन बच्चा, जैसे आप लोग पार्टिसिपेट करते हो ना, तो वैसे ही कह रहे हैं कि अध्यापिका कल उस चुनाव करेगी कि कौन कौन प्रतिभागी है, खेल में कौन कौन भाग ले रहा है. यह सुनकर सभी बच्चे उत्साहित हो गए. बहुत बच्चे खुश हो जाते ना, आप लोग भी खुश हो जाते हो ना, कोई प्रोग्राम होना होता है तो. पर अभिषेक के मुख पर उदासी के बादल छा गए. अभिषेक नाम का बच्चा है, वो दुखी हो गया था, उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि उदासी के बादल छाए थे. दुख यानी वो उदास हो गया था. तो छुट्टी के समय उसके दोस्त अमित ने अभिषेक से कहा, जब छुट्टी होती है तो उसका जो फ्रेंड था अमित, तो कहा कि तुम तो इस बार भी चुन लिए जाओगे, फिर क्यों उदास हो? दोस्त कह रहा, तुम तो फिर सिलेक्ट हो जाओगे, क्यों उदास हो गए हो, क्यों दुखी हो गए हो? सार्थक भी बोला, हाँ यार, तुम्हें तो पिछले वर्ष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार भी मिला था. कह रहा है, हाँ दोस्त, तुमको तो पिछले साल भी सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छे खिलाड़ी के रूप में पुरस्कार यानी इनाम मिला था, तो तुम तो इस बार भी जीतोगे. कह रहे हैं, तुम तो इस बार भी जीत जाओगे. हिमांशु ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, और क्या तुमने भी मुझे भी दौड़ प्रतियोगिता में परास्त कर दिया था, फिर क्यों परेशान हो? हिमांशु कह रहा है, हाँ हाँ, तुम तो मुझे भी पीछे कर दिए थे, तो तुम क्यों परेशान हो, मुझे पीछे कर दिए थे. अभिषेक ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम सब कह तो ठीक रहे हो, पर पिछले साल तक जीतने के लिए मैं प्रतिदिन खेल के मैदान में अभ्यास करता था. जब से पिछले जन्मदिन पर मेरे मामा ने मुझे प्लेट स्टेशन और मौसा जी आईफोन उपहार में दिए, उपहार यानी जो गिफ्ट दिया जाता है, तब से मैं खेल के मैदान में नहीं जाता हूँ, और जब समय मिलता है तब उन्हीं से खेलने लग जाता हूँ. जब समय मिलता है तो जो गिफ्ट मिला है मैं उसी से खेलता हूँ. अब मुझे डर लग रहा है कि मैं प्रतियोगिता के लिए चुना भी जाऊँगा या नहीं. अब यानी मैं खेल की प्रैक्टिस एकदम छोड़ दिया हूँ, और
तब अभिषेक कह रहे हैं, अभिषेक की बात का समर्थन करते हुए सार्थक ने कहा, मैं भी खेलने के लिए मैदान में जाता हूँ। कह रहे हैं मैं भी खेलने के लिए मैदान में जा रहे हैं, अब तो मैं भी कंप्यूटर पर ही लगा रहता हूँ। कह रहे हैं इस समय तो मैं भी कंप्यूटर पर ही लगे रहते हैं, उसी पे वर्क करते हैं, खेलने का टाइम बहुत कम निकलता है। आजकल खेल के मैदान में कौन जाता है, जब मोबाइल पर भी ढेरों खेल उपलब्ध हैं। कह रहे हैं अब खेल के मैदान में कौन जाता है, जब मोबाइल पर ही इतने सारे खेल उपलब्ध हैं, तो खेल में कहाँ जाने टाइम है, हिमांशु और अभिषेक ने कहा। अगले दिन खेल दिवस के लिए प्रतिभागियों को चुनने के लिए अध्यापिका सुमन ने छात्रों को बुलवाया। अगले दिन चुनाव करने के लिए अध्यापिका ने बच्चों को बुलाया। उन्होंने नियम समझाते हुए अनेक खेल भी खिलवाए। सर्वप्रथम 200 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अभिषेक और उसके सभी मित्र हार गए। दौड़ में क्या हुआ, सब लोग हार गए। फिर अध्यापिका सुमन लंबी कूद और ऊंची कूद प्रतियोगिता शुरू की, उसमें भी सभी परास्त हो गए। उसके बाद अध्यापिका जी रस्सी कूद, बाधा दौड़ और गोला फेंक प्रतियोगिता के लिए बच्चों का चुनाव किया। अभिषेक और उसके मित्र सभी खेलों में भी फिसड्डी रहे। फिसड्डी यानी क्या होता है, तो फिसड्डी में से भी पिछड़ा हुआ होता है, उसमें भी वो लोग पीछे ही हो गए, यानी खेल की एकदम से प्रैक्टिस छोड़ दिए हैं। तो जब आप खेलोगे नहीं तो उस प्रतियोगिता में कैसे आगे बढ़ोगे, यही मतलब है इसमें। तो उसे रोता देखकर अध्यापिका जी उसके पास आई और रोने और हारने का कारण पूछी। उसके सभी दोस्त ने बताया कि आजकल हम लोग खेल के मैदान में खेल का अभ्यास नहीं करते, घर पर ही वीडियो गेम, प्ले स्टेशन, कंप्यूटर, मोबाइल पर ही खेलते रहते हैं। यह सुनकर अध्यापिका जी समझाते हुए, कहीं बच्चों ये सब चीज़ें हमारा मनोरंजन तो कर सकती हैं, लेकिन इससे हमारे स्वास्थ्य में प्रेरणा नहीं प्राप्त हो सकती है। कह रहे मनोरंजन तो इससे जरूर होता है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य में प्रेरणा नहीं मिल, हमारा स्वास्थ्य इससे स्वस्थ नहीं हो सकता है। खेल जिसका नाम सुनते ही मैदान में पसीना बहाते और जी जान लगाकर प्रतिद्वंदी को पछाड़ते खिलाड़ियों को जो तस्वीर हमारे सामने आती है, क्या बंद कमरे में एसी चलाकर पॉपकॉर्न खाते कंप्यूटर आदि खेल खेलते भाव महसूस कर सकते हो? यह तो वही बात हुई टीवी पर व्यंजन से भरी थाली देखकर हम पेट भरे जाने का अनुभव करें, और जो किसी भी हाल में संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर खेलना हमें खुशी तो देता है, पर साथ ही सिर दर्द, तनाव, सुस्ती, अकेलापन, मोटापा, छोटी उम्र भी आंखों में चश्मा लगवा देती हैं। कुल मिलाकर अध्यापिका भी समझा रही हैं कि इन सब से हमको मनोरंजन केवल होता है, बाकी हमारा शारीरिक रूप से नुकसान ही नुकसान होता है। बच्चों, मैदान में हम खेलों के साथ साथ हार जीत का माध्यम खेल भावना, परस्पर सहयोग, सहनशीलता, उत्साह, परिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा की भावना, प्रतिस्पर्धा यानी एक दूसरे के से आगे निकलने का जो होड़ लगता है, कंपटीशन होता है, वो सब तन मन धन स्वस्थ प्रसन्न चित रहते हैं। अगर हम उसमें आगे निकलते हैं तो हम बहुत ही खुश होते हैं। तो अध्यापिका की बात सुनकर सभी बच्चों ने कहा कि हम टीवी, मोबाइल, प्ले स्टेशन ना खेलकर मैदान में पसीना बहाएंगे, स्वास्थ्य व खुशियाँ पाएंगे, अगले साल खेल प्रतियोगिता में अवश्य ही प्रथम आएंगे। बच्चे कह रहे हैं, बच्चों के भी समझ में आ गया कि खेल से ही हमारा शारीरिक व्यायाम होता है, शारीरिक लाभ होता है, हमको खुशी भी मिलती है, हम आगे बढ़ते हैं, उसमें हार जीत होती है। तो आज से हम लोग टीवी, मोबाइल ये सब ना देखते हुए खेल के खेल भावना को ही स्वीकार करते हैं। खेल मैदान में हम लोग जाएंगे, अपना पसीना बहाकर, एक दूसरे से होड़ लगाकर, कंपटीशन करके, दौड़ हुआ, लंबी कूद हुई, सारे खेल हम लोग अब खेलेंगे और उसकी पहले से ही प्रैक्टिस किए रहेंगे। तो जो साल भर में प्रोग्राम होता है, ये खेल का दिवस होता है, खेल आयोजन होता है स्कूल में, उसमें हम लोग भाग लेंगे और उसमें हम फर्स्ट यानी प्रथम आएंगे। कह रहे हैं तो प्रतिभागी मीन्स क्या होता है, भाग लेने वाले।
प्रतिभागी। भाग लेने वाले। ओके, तो ऐसे ही वर्ड मीनिंग आपकी है। पुरस्कार है, पुरस्कार मीन्स इनाम होता है। उपहार है, उपहार मीन्स तोहफा होता है। फिसड्डी, पिछड़ा हुआ। तो सारी वर्ड मीनिंग, बुक की एक्सरसाइज, कॉपी का वर्क, हम सब आपको पीडीएफ बना के भेजेंगे, आप लोग उसको राइट कर लेना। ओके, फिर अगले दिन हम अगला चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, बाय स्टूडेंट।